शिवालिका कहाँ खुशी चली आ रही है? सत्यानाश कर दिया पूरे मंदिर के परिवेश का। बाहर निकालो इसे। अरे मूर्खो, क्या तुम्हें मालूम नहीं तुम नीच जातियों के लिए मंदिर में प्रवेश वर्जित है? चलो भागो यहाँ से। सुबह सुबह अपने नीच कदमों से पवित्र भूमि को अपवित्र कर दिया। अब इसका शुद्धिकरण करना होगा। जाओ, जाकर गंगा जल लेकर आओ। क्यों क्या महाराज? मैंने कहा भागो यहाँ से। क्या तेरा? सरना मलिक। ये कौन है तेरी? पत्नी है हमार, अब ब्याह के लाए। कोठी पर लेकर आ शाम को, सरकार ने बुलाया है।
अब फूट जा बूढ़ा नहीं कहे। बांध के मरवाई बांध कर मरवाई हो एक मुठ्ठी अनाज नहीं दे पाई रखिए रख बकर बकर किए कितना बोला दीजिए एक मुठ्ठी अनाज नहीं दे पाई सबरे शाम तक तो मजदूरी करे रहे तो करे रहे देखत चलाए कि धई दे अब तो है का चाहिए रे हमका तो एक मुठ्ठी अनाज दे दियो एक मुठ्ठी अनाज का कर दी रे का कर दी दिन भर तो हर कंडा पाखी थे चार कंडा का पात दे दी चर 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 किए खाते तो काव करी गलती होगी मालिक सगरो दूध धरती पे फैलाई दिस अरे मूरख ई गाय के दूध हो बकरी के मूत नहीं जौन सगरो फैलाई दी हो माफ कर दो मालिक माफ करी मन भर चाड़ी के खात हो और पान शेर का मटका तुसे नहीं संभालल जात है आयो आयो मजूरी लेवे तब बताई मकारता है रे जंगर चोर हरामी साथ नहीं के तो ये रास्ता में मिला रहा रे डारे के हाँ आज मारी सी बुढ़िया पूरा दिन खराब कर दे रे आज निकाल ने अब तोके का चाहिए रे भैया बहुत दूर से आए हैं बहुत थक गए हैं तो का करी पैर दबाई तेल लगाई तनिक पानी मिल जाता तो का हम यहाँ प्यास बुझावे बैठा हैं रे हैं तो का प्याऊ दिखाई दे रे आज का तो दिन है खराब है जरूर सवेरे सवेरे कोनो सूदे के मुंह देख लिए मालिक 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 पानी घंटी नीच पापी का हमारे इतना बुरे दिन आई गए हैं कि हम तोरे हाथ का पानी पिए ना गले में हंडी ना कमर में झाड़ सारा धर्म भ्रष्ट कर दिया हमार की राम 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 अरे इन सुद्रन के ता गले में हांडी ही नहीं बेड़ियों बांधे के चाहिए की? बद्री कहाँ हो जाते तुम्हें वो मालिक लोग हैं हमरे परछाई से ही बचत है भला हमरे छुआ पानी कैसे पिए रे तो कब समझे रही बात का बताई जगन जब वो कोका प्यासा देखे तो हमका हमारे बाबा याद आ जाता बहुत प्यास लगी है बस थोड़ी दूर आओ बस थोड़ी दूर आओ हाँ चलो हिम्मत करो अरे तनिक को ना चल पाई हो अच्छा एक काम करो चलो आ साइड बैठो आओ तनिक धीरज धरो बहुत प्यास लगी है बच्चों हाँ यहाँ साइड बैठो बैठो पहले आराम से बाबा आराम से तनिक ऊपर खिसको यूं निकाल दो प्यास लगी बहुत प्यास लगी है बच्चों बहुत प्यास लगी है हम तोरे लिए पानी लाए थे तुम ये रहो हम अब आएंगे अब ही आएं है ना बाबा हम अब आए थे
चला रहा है? तो क्या दिखाई नहीं पड़ा कि सामने तालाब है? मालिक, मालिक तू एक घूंट पानी दे दो मालिक, तू एक घूंट। अरे तुम्हारी मती मारी गई है का? तुमका पता नहीं ये तालाब हमारे पुरखन का है, एक बूंद पानी तुमका नहीं मिली है यहाँ से। हम जानी थे मालिक, हम जानी थे कि हम अभागा अछूत, हम कैसे छू सकी थे यू। हमार बापा बहुत प्यासा है, वो तड़प रहा है मालिक, तू एक घूंट पानी दे दो मालिक, हम भूखा जिला ले पानी, हम उनका जिला ले। अगर उनका पानी न मिली, एक घूंट पानी नहीं मिली है मालिक, मालिक हम हांडी यही रख देते मालिक, हम परे हट जाए थे। यू मत थोड़ा सा पानी दे दो मालिक। पानी चाहिए तुमका? ले पानी। मालिक पानी गिर गया। पीले बाबा, 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 हे, बाबा, हे बाबा, अरे उठ ना, अरे उठ, अरे देख दाम आई के पानी लेके, अरे टूटता क्या नहीं? क्यों नहीं मेरा इस दुनिया में बाबा? अरे अमर करम, अरे अमर करम, लोग तो अपने कार्तिम घरे में गंगा जल पिलावत है, अरे काम भागा एक कमा पागा कि तुमका तू पुत पानी न पिला सके। देख, देख पापियो, देख, देख मरकवा बोरा पापा, मरकवा बोरा पापा, मरकवा बोरा पापा। और नहीं रखा अपनी छाती पर कौनों का बोझ, और नहीं रखा तुम्हारी तू एक घूंट पानी का उधार। मर गवा प्यासा, मर गवा। अरे तुम कहा तो कि हम अछूत है, अरे अछूत हो तुम लोग, और ये तुम्हार पानी तू तू है ऐसा पानी पर जो मनाई खाते नहीं बना। पानी चाहिए ना, ले 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 जा पानी, पानी, अरे पानी नहीं, जान पानी मनाई के काम ना सके, वो पानी नहीं, वो मूता मूत मूता। कैसा समय पुत्र पिता को बूद भी जल की दे ना सक।
हे बद्री, चल चल घर चल। जाएगा वो जमींदार को जब पता चलेगा ना कि तू पेट से है तो वो जरूर कुछ ना कुछ। क्यों री, उसे कहा झूठा दिलासा दे रही है, हैं? भूल गई जुगनी के साथ में क्या हुआ था? अरे मना किया था उसने जाने से, तो ठाकुरों ने पूरे गांव में नंगा करके घुमाया। नंगा बात करती है, कुछ नहीं होगा। ठाकुर ही हमारे भगवान हैं, उनकी कही हर एक बात पत्थर की लकीर है, ये जान लो तुम, नहीं तो सबको मुसीबत में डालोगे। काहे चाची, काहे उके मन का बोझ बढ़ा रहे? हम काहे उसके मन का बोझ बढ़ा रहे हैं? जब उके कारण सबका मन का बोझ बढ़ी तब पता चली मन का बोझ बढ़ा रहे इनके सबका हम। बाबा। हाँ लाओ मिठिया। बचा के रखा था, कब तक बचाओगे चरना? हम खा करे संधि करे का हम दोस्त तो खाया हमारा ना कि हम इस नीच जाति में जन्म खाई जन्मे तू इस जात में का हम जन्मे इस जात में जरूर जरूर हम लोग ने पिछले जन्म में कोनो बहुत बड़ा पाप किए होंगे जो आज इतने बेबस और लाचार है। साधरी
भगवान हम गरीबन की तरफ काहे नहीं देखत चांदली, काहे नहीं देखत। चन्ना चन्ना मत रो, चन्ना मत रो। संदली, तू रोती है तो हमारे कल्ले के बढ़ जाते हैं संदली। चन्ना, चन्ना, रोना तो का करे चन्ना, का करे हम? जमींदार हमको छुएगा चन्ना, हम मर जाएंगे चन्ना, मर जाएंगे। हमें नफरत होने लगी है शरीर से चन्ना, हम मर जाएंगे। ए दादा, अरे दया कर दादा, दया कर। चाहे तो मेरी जान ले ले, लेकिन मेरी सांदली को बचा ले दादा, मेरी सांदली को बचा ले। अरे तूने तो दुनिया बसाई दी दादा, अरे हमारे घर भी बचा ले दादा, हमारे घर। दादा कुछ ठीक करेगा, अब हमें ही कुछ करना होगा। ना रहेंगे हम, ना रहेगा हमरा ये शरीर। छोड़ सब, क्या कर रही है पगली संदली? तुझे कुछ हो गया तो हम मर जाएंगे संदली, हम मर जाएंगे। चन्ना, चन्ना बोल लूँगा आगे चन्ना। ओए चन्ना, बारा। हम है ना? मार दो मालिक, लेकिन उसका छोड़ दो मालिक। पगलाए गए हो का? बुलाओ उसे। मालिक, मालिक, मालिक उसका छोड़ दो मालिक, उसका छोड़ दो मालिक, उसका छोड़ दो मालिक, मालिक, मालिक वो फिर से मालिक मर जाएगी मालिक। फैसला स्वामी करते हैं, सेवक नहीं। हम सेवक हैं, स्वामी नहीं। जा लेके आ। मालिक, मालिक मर जाएंगे मालिक, लेकिन रुका यहाँ से जाने नहीं देंगे मालिक। सरकार से बगावत, खेत की लाश को। मालिक, 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 मालिक
छोड़ा ही नहीं है उठे लायक। अंग अंग तोड़ के धर दीना है सब। अरे हम पैदा ही होते हैं मारे जाने के लिए। अब चाहे ठाकुर मारे और चाहे बीमारी, हम सुधरन के भाग में पटा नहीं का बड़ा है, पैर रिगड़ रिगड़ कर मरना लिखा है। पटा नहीं कौन को कर मन की सजा मिल रही है हम लोगन का। बाला बाला जल्दी से जा तांत्रिक बाबा को बुला ला, वो जरूर कुछ ना कुछ कर ले। जा जा भाग कर जा बेटा, भाग कर जा।
कतराता है पर सोने से नहीं। मुझे आज तक कोई नहीं बता पाया कि कमल कीचड़ में क्यों खिलता है। गुलाब कांटों में क्यों मिलता है। बला की खूबसूरत हरी तू तो कहां छुपी थी अब तक है। तेरी नागिन जैसी लटे फिर दौड़ी चली आ रही है। हमका चलो नहीं तो मर जाएगा। हमका सरकार से मिला ही दो। हमका सरकार से सरकार 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 हमका मर जाएगा। सरकार नहीं तो मर जाएगा। सरकार वो मर जाएगा। सरकार हमका कौन गलती नहीं थी। सरकार
करो गलती नहीं थी ना। भोर में सूर्य पूजन किया जाता है, मदिरा सेवन नहीं। भगा उसको। देखो जायसे चिल्ला रही है। भैया भैया बताओ ना भैया, मैं जीऊ का मैं चाहिए ना मैं जी। हमारे चाहिए ना तड़प तड़प के मर रहा है। हमारे को मैं चाहिए ना मैं जीऊ का मैं चाहिए ना। अरे छोड़ो बहन जी, काहे परेशानी में पड़ा था। देखो भैया, अब इन छुद्रन ने झाड़ो बांधना बंद कर दिया है। हाँ भैया, अब तो रास्ता घाट भी देखकर चलना पड़ेगा, कहीं लोगन के पाँव के ऊपर अपन पाँव ना पड़ जाए। ले ले जा, बकरी के दूध में मिला के पिलाई दे। आत्मा
छोटे ठाकुर गांव वापस आ रहे हैं तो का का मार दो छोटे ठाकुर का बोलो बोलत काहे नहीं हमका साफ दिखाई दे था जरना की चिता का आंख तो सबन की आंखन मा जब इस चिता की आंख ज्वालामुखी बन के फाटी ना तो विनाश है विनाश होई जरूर चिता ही चिता चली ये बाला अरे बह जाने दे ये चिता की आग के साथ इन असुअन के तू लोग बोलत काहे नहीं मती मार गई है कहा पगलाए गए हो कहा तुम लोग पगलाए हम नहीं गए माधव पगलाए गए हैं वो लोग जो हम शूद्रन का कीड़ा माटी समझते हैं, जो समझते हैं हमरी नसन में खून नहीं पानी दौड़त है पगलाए गए हैं हाँ दौड़त है पानी अब वो पानी लाल हो गया है पगलाए गए नहीं है माधव होश में आ गए हैं होश में आ गए अरे होश में आ गए होते तो नगर को नहीं जाते गुप्तचरी करने ए बद्री तो खाते तौर तरीका का समझ है इनका समझा जो सोचता है ना जो करब चाहता है मालूम है ओकर परिणाम का होई परिणाम काहे का परिणाम रे माधव काहे का अरे जो ससुराई चल रहा है वो का है वो और का दोस्त का है हमार ये है कि हम सुधर जाति माँ जन्म लिए तो करे का करे अरे जन्मे है हम नीची जाति माँ तो सेवा तो करत है ना उनकी चाकरी करत है सारी जिंदगी गू उठावत है उनका गंदगी साफ करत है उनकी तब जाके माधव तब जाके दो वक्त की जूठन मिलत है हमें पलन के लिए पर इतने पर भी उनका पूरा नहीं पलत नहीं पेट भरत उनका 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 बहु बेटियां चाहिए हमारे घर की अरे हमन का तो यो नहीं पता कि जौन बच्चन का हम अपनी छाती से लगाए घूमत है वो हमारी औलाद है या उल्टा कुरान की अरे बस कर अरे क्या बस करे माधव क्या बस करे काल अमरी बहन की लाज बचावन चाहिए तो तरपाई के मत डरिन ठकुरन के कुत्तन ने चरना का घिसट घिसट के मराऊ और का किए हम लोग का किए खड़े रहे देखत रहे हाथ जोड़े बेबस लाचार परिणाम की बात करे तो माधव का भवा परिणाम सब तुम्हारे सामने ना है अरे अब नहीं सुना जात अरे काहे नहीं सुना जात काली की बहन गई आज कोई की मेहरारू कल का तुम्हारी बहु बरसों के उका बेटी का चल कर आई हम का माधव तुम बताओ कांत का है तू
तू चिता जरे की बात करत हो माधव? चिता जरे की यहाँ जौन आत्मा चल रही उकाका माधव उकाका। देख देखिका माधव देख, तुम कहा तो ही पगलाएगा? अरे पगलाई नहीं तो करी का करी का दोष का रहा ही का हरी के उन नान केर बच्चे का। पानी पिलाए देखा? हाँ पिलाई दे। चन्ना ए बाबू आजा। चन्ना मीठा खाएगा बेटुआ? मीठा 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 मीठा। ले ये तू ले, ये रख जा। चन्ना ए चन्ना आजा। ओम नमः शिवाय 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 ओम नमः शिवाय। अछूत पाला ओम नमः शिवाय का जाप एक शूद्र की जुबान से। हे प्रभु क्षमा करना हमारे कानों को जिन्होंने इस घोर पाप को सुना। घोर पाप! अरे तुष्ट प्राणी, तूने अपने बालक को इतना भी नहीं समझाया कि महामंत्रों का जाप शूद्रों के लिए महापाप है। करो, अब इस बालक के कारण गांव में अकाल पड़ेगा।
सूखा पड़ेगा, महामारी फैलेगी, गांव वाले ताही ताही करेंगे। इस शूद्र बालक ने शिव जी के महामंत्र को दूषित कर दिया, घनघोर पाप किया। अब इस गांव को कोई नहीं बचा सकता। क्षमा करो प्रभु, क्षमा करो इस गांव को, रक्षा करो प्रभु, रक्षा करो प्रभु। ताही मां, ताही मां, ताही मां, दूर करो दुष्ट पापी बालक को, दूर करो। भाइयों, इस पापी के पापों की सजा पूरे गांव को भुगतने नहीं देंगे हम। पंचायत बुलाई जाए। हाँ, पंचायत बुलाई जाए, पंचायत बुलाई जाए, पंचायत बुलाई जाए, पंचायत बुलाई जाए। सुना है इका फैसला महाराजे करिए। सुना तो है भैया, अब देखो का करत है। हम सभी पर एक बहुत बड़ी विपदा आन पड़ी है। एक शूद्र बालक ने भगवान भोलेनाथ के मंत्रों का उच्चारण अपनी तुच्छ जिह्वा से कर दिया है, जो कि महाराज के अनुसार शास्त्रों में वर्जित ही नहीं बल्कि घोर पाप की संज्ञा में आता है। घोर पाप की संज्ञा में, क्योंकि किसी भी शूद्र को मंदिर में प्रवेश करने, उनके जाप को सुनने तक का अधिकार नहीं। और इस नीच बालक ने तो अपनी जिह्वा से मंत्रों का उच्चारण ही कर डाला। इसलिए अब इस गांव को किसी भी दैवी आपदा से सिर्फ महाराज ही बचा सकते। इसलिए हम सभी गांव वाले महाराज से विनती करेंगे कि वे अपने पुण्य प्रताप से हम सभी गांव वालों की रक्षा करें। महाराज का अंतिम निर्णय ही हम सभी पंचों का निर्णय होगा। आदेश महाराज। कोई विकल्प नहीं, जो आज्ञा। महाराज ने इस विपदा से निपटने के लिए जप और ध्यान शुरू कर दिया है। इसके लिए महाराज ने यह तय किया है कि एक बड़े यज्ञ का आयोजन किया जाए, परंतु केवल यज्ञ करने मात्र से ही इस विपदा को नहीं टाला जा सकता। इसलिए इस पापी की पाप की सजा से इस पूरे गांव को मुक्त कराने के लिए बालक की उस जिह्वा को, जिस जिह्वा से उसने मंत्रों को दूषित किया, खंडित कर दिया जाए, अर्थात बालक की उस जिह्वा को काट दिया जाए। Ha ha ha.
अभी गांव छोड़ के चले जाएंगे वाले कभी ना लौट के आए। बालक के रक्त से लिख दो वेदों और पुराणों में किसका किसका नाम लिखा है धर्म धनुष के बाणों में। पूछो ये पापों की, पूछो ये पापों की रीत क्यों चले। आत्मा जले, 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 जीना का मरना का। पता नहीं कल रहे हैं
मुक्त हो गया है। अत्याचारी पवन चली है और प्राणों के दीप बुझे, जीवन का रास था जैसे कितने बंधक
फसल जल गई है सरकार, हमरे पे दया करो, हमरे पे दया करो सरकार। हमरी बिटिया के शादी है, हमरे माई बाप तो आप ही हो सरकार, दया करो सरकार, दया करो, आप तो महान हो सरकार। हवेली को बहुओं की ऊंची आवाज सुनने की आदत नहीं। करतार, मुझे मेरा बेटा ही नहीं, वो सब जिंदा चाहिए, जिंदा चाहिए।
मुझे इस गांव में अब एक भी शूद्र जिंदा नहीं चाहिए। सबको जिंदा जला दो। जैसे मेरा बेटा जल गया, धीरज रखे सरकार, आज की रात उन्नीतों के लिए कयामत की रातों की।
किसे दिए ये भेदभाव किस लिए
गांव की नहीं, ये कहानी थी एक पूरे समाज की, उस समाज पर किए गए जुल्म की दास्तां की, जो सिर्फ एक देश में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में फैली हुई थी। इस अत्याचार के खिलाफ कई महापुरुषों का जन्म हुआ, जिनमें महान टी बुकर वॉशिंगटन, अब्राहम लिंकन, मार्टिन लूथर किंग, नेल्सन मंडेला और हिंदुस्तान में एक युग पुरुष बाबा भीमराव अंबेडकर ने जन्म लिया, जिन्होंने आजादी की लड़ाई में क्रांतिकारियों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर वीरों का साथ दिया। वर्षों तक चले इस महासंग्राम में अंततः विजय मिली, देश आजाद हो गया। इस आजाद देश का संविधान बाबा भीमराव अंबेडकर ने लिखा और इस दबे कुचले समाज को उन कड़े नियमों की बेड़ी से आजाद कराया और ऐसे नियम बनाए जो उन्हें मुख्य धारा में ला सके। परंतु ड्रिंकिंग वाटर फ्रॉम अ पब्लिक टैप। हरियाणा के पानीपत में दबंगों ने एक दलित की जीभ काट डाली। A dalit who was raped and then burnt to death by two upper caste 17-year-olds. Orissa's Puri district warns scheduled castes from going no further than this wall. वर्षों से पूरी दुनिया में फैली हिंसा की मूल जड़ जाति व्यवस्था ही है। अपनी जाति सभ्यता को श्रेष्ठ साबित करने के लिए हिंसा और आतंकवाद का सहारा लेकर दूसरी जाति को नीचा दिखाने का षड्यंत्र मात्र है। यदि हम अब भी नहीं जागे तो न मानव बचेगा न धर्म। हम सब एक ही ईश्वर की संतान हैं। हम सब समान हैं। समानता की भावना ही शांति का मूल मंत्र है। कुछ भी बदलना है तो स्वयं को बदलो। हृदय परिवर्तन ही सामाजिक परिवर्तन ला सकता है।